हेलो एवरीवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो दोस्तों इग्नू बीएड और एमबीए के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं अगर आपको एडमिशन फॉर्म के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट करके बताइएगा तो यह है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर हम नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा रेड कलर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बी ओपन मेट पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर जनवरी 2021 ठीक है इस लिंक पर हम बाद में जाएंगे पहले यहाँ पर आप देखिएगा एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग एडमिशन टू ओपन मैट इसको हम ओपन करते हैं उसके बाद यहाँ से इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं क्लिक हेयर फॉर एडवर्टीजमेंट तो इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी है और इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो पता चल जाएंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैनेजमेंट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो इग्नू जो है एमबीए कोर्स ऑफर करता है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स ऑफर करता है पीजी डिप्लोमा जो ऑफर करता है इग्नू वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑपरेशन ऑपरेशंस मैनेजमेंट में मार्केटिंग मैनेजमेंट में और फाइनेंस मार्केट एंड प्रैक्टिस में यहाँ पर आप देखिएगा ऑल द अबव प्रोग्राम हैव मल्टी मीडिया डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी एडिट डिलीवरी सिस्टम दीज आर ऑफर थ्रू कॉन्ट्री वाइड नेटवर्क ऑफ स्टडी सेंटर यानी कि जो अलग अलग स्टेंड स्टडी सेंटर हैं वहाँ पर ये ऑफ़र होता है यूनिवर्सिटी विल बी एडमिटिंग स्टूडेंट फॉर द अबव डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू तो एडमिशन जो होगा इन तमाम कोर्सेज़ में दोस्तों वो ओपन मेट एग्ज़ाम के थ्रू होगा जो कि ग्यारह अप्रैल दो को कंडक्ट होगा वहीं बी की बात करूँ तो बी अगेन दो साल वाला कोर्स है ये भी एंट्रेंस के थ्रू ही इसमें एडमिशन होता है और ग्यारह अप्रैल 2021 को भी बी एड का एंट्रेंस होगा ठीक है पहले एम बी ए कोर्स की एलिजिबिलिटी को हम डिस्कस कर लेते हैं एनी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकोगगनाइज यूनिवर्सिटी कोई भी ग्रेजुएट हो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर चार्टेड अकाउंटेंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटरी है पचास परसेंट मार्क्स के साथ जनरल कैटेगरी के लिए और पैंतालीस परसेंट मार्क्स के साथ जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए वो एलिजिबल है ओपन मेट के लिए क्लियरेंस ऑफ ओपन मेट कंडक्टेड बाय इग्नू द स्कोर ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट इज़ वैलिड ओनली फॉर जनवरी 2021 यानी कि एलिजिबिलिटी आपको मैंने बता दी 50 परसेंट प्लस ओपन मेड एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा और कोई एज लिमिट नहीं है एक न से एम करने के लिए इसके अलावा स्पेशलाइजेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है जिसमें डायरेक्ट एंट्री एडमिशन होता है विदाउट एंट्रेंस टेस्ट इसकी जो एलिजिबिलिटी है एनी ग्रेजुएट या फिर आपका वही सी ए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट 50 परसेंट मार्क्स के साथ प्लस स्टूडेंट हु हैव डायरेक्टली इनरोल फॉर पी जी स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा कैन सब्सिक्वेंटली इनरोल फॉर एम बी ए आफ्टर क्लियरिंग ऑफ ओपन मेट एंट्रेंस फुल क्रेडिट ट्रांसफ़र विल बी गिवन फॉर कम्प्लीटिंग कोर्स फॉर फर्दर डिटेल रेफर टू द प्रोस्पेक्ट बेसिकली ये लोग बोलते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो पी जी स्पेशलाइज कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद वो ओपन मेट कलियर करके एम बी ए में भी एडमिशन ले सकते हैं इसमें भी कोई एज लिमिट आपकी नहीं है वहीं बी की दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगेन पचास परसेंट मार्क्स आपको चाहिए अगर आपके बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री है साइंस या फिर सोशल साइंस या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में अगर आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के स्ट्रीम में बैचलर डिग्री है तो फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स उस केस में आपको चाहिए होंगे और बी के लिए कुछ और भी यहाँ पर एडिशनल रिक्वायरमेंट हैं इसको भी आपको पढ़ लेना है जैसे आपके पास ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर की राइट right? और कैंडिडेट हु हैव कम्प्लीट अ एन सी टी ई रिकग्नाइज टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। तो ये ये लोग भी एलिजिबल होंगे रिजर्वेशन एंड रिलेक्सेशन ऑफ फाइव परसेंट मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबलिटी विल भी प्रोवाइडेड टू एस सी एस टी ओ बी सी एस सी एस टी और ओ बी सी के लिए पाँच परसेंट तक का इसमें मार्क्स में दिया गया है दोस्तों तो जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डेट 20 मार्च 2021 है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हो इस बार एन की वेबसाइट से आपको फॉर्म फ़िल नहीं करना है इग्नू की ही वेबसाइट से आपको करना है फॉर्म फ़िल करने के लिए आप पीछे आओगे आपसी मेन वेबसाइट पर तो यहाँ पर आप देखोगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ॉर बी एड ओपन मेड पोस्ट बेसिक नर्सिंग इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि क्लिक हेयर फॉर बी एड प्रोस्पेक्टस और क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ॉर बी एड दैन यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर ओपन मेड प्रोस्पेक्टस और क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ॉर ओपन मेड एंट्रेंस तो बेसिकली जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो उसका प्रोस्पेक्टस भी प्लस यहाँ पे जो एडमिशन फॉर्म का लिंक है वो भी अवेलेबल है इस लिंक पर आप जाओगे तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन करके अपना जो एडमिशन फॉर्म है वो कम्प्लीट करना पड़ेगा ठीक है तो इस तरीके से कुछ बीएड के फॉर्म और एमबीए के फॉर्म निकले हुए हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही थैंक यू